मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा है। हम आपको बताते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है और किस स्थिति में लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव का उपयोग विपक्ष सरकार में अपने विश्वास की कमी को व्यक्त करने के लिए करता है। विश्वास बनाए रखने के लिए सत्तारूढ़ दल को सदन में अपना बहुमत साबित करना होता है। संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख अनुच्छेद 75 में किया गया है। इसके मुताबिक अगर सत्ता पक्ष इस प्रस्ताव पर हुए मतदान में हार जाता है तो प्रधानमंत्री समेत पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। सदस्य नियम 184 के तहत लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हैं और सदन की मंजूरी के बाद इस पर चर्चा और मतदान होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। ये प्रस्ताव सिर्फ विपक्ष ही ला सकता है और इसे लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी समेत कई प्रधानमंत्रियों को इस प्रस्ताव का सामना करना पड़ा है। वहीं मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं ने अविश्वास प्रस्ताव के कारण अपनी सरकारें गिरती देखी। चौधरी चरण सिंह ने बहुमत साबित करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। पाकिस्तानी तस्कर सीमा पार से भारत में ड्रग्स भेजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। इस बात को स्वीकारा है पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के विशेष रक्षा सहायक मलिक मोहम्मद अहमद खान ने। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान मलिक इस बाबत पूछे गए एक सवाल पर सहमति जताई और कहा कि ये बहुत डरावना है क्योंकि हाल ही में दो घटनाएं हुई हैं जिनमें 10 किलो हेरोइन बांधकर बाहर फेंकी गई। मलिक ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी एजेंसियां लगातार इस तरह की गतिविधियों को रोकने का प्रयास कर रही हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इंडिगो एयरलाइंस पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 6 महीने में 4 टेल स्ट्राइक की वजह से ये जुर्माना लगाया गया है। पिछले दिनों अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग के समय फ्लाइट का पिछला हिस्सा जमीन पर टकरा गया था, जिसके बाद से ये कार्रवाई की गई है। इस घटना के बाद इंडिगो के एक कैप्टन का लाइसेंस 3 महीने के लिए और एक को पायलट का लाइसेंस 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि विमान के टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान उसकी टेल यानी पीछे का हिस्सा जमीन या किसी अन्य स्थिर वस्तु से टकराता है तो उसे टेल स्ट्राइक कहा जाता है।